राज्य के शौर्य सभागार में सातवें राष्ट्रीय पोषण मास समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास अन्नपूर्णा देवी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान देश भर के 11,000 से अधिक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया और पोषण धारा ई मैगजीन का लोकार्पण भी किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पोषण माह के तहत लोगों के बीच जागरूकता फैलाना पहली प्राथमिकता है। 11,000 सक्षम आंगनबाड़ी का उद्घाटन किया गया है, इससे बच्चों को बहुत ही फायदा हो रहा है। खेल खेल में बच्चे कैसे अधिक से अधिक चीजें सीख सके, इसके पीछे यही सोच है। वही कुपोषण से कैसे मुक्ति मिले, इसे लेकर लगातार काम किया जा रहा है। इसके अलावा कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि कुपोषण दूर करने के लिए जागरूकता के साथ साथ घर की माँ बहनों ख्याल भी सरकार को रखना होगा। एक पेड़ माँ के नाम, इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसमें आंगनबाड़ी की भूमिका बहुत ही अच्छी है। ये सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। वो चीजें खाने को मिली, हमें लगता है कि ये हम तो पहले समय में कम खाई थी और यहाँ पर आकर स्थानीय भी चीजें मिल रही है जो वास्तव में अच्छा आहार भी है और स्वास्थ्य भी जिससे सही बनता है, हम ऐसा महसूस करते हैं। ये वास्तव में अत्यंत लाभकारी है। आज पूरे विश्व ने मोटे अनाज की महत्व को समझा है और लग रहा है कि वास्तव में इसका क्या उपयोग हो और अब इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ऐसे आहार का सेवन भी किया और लोगों को समझाने का भी काम किया कैसे करें। तो आपसे जुड़े हैं जो लाभार्थी हैं, लाभुक हैं, उसको भी आप बेहतर जानकारी भी आप देते हैं। जो गर्भवती माताएं आती हैं तो कैसे उनके बच्चों को, जो नवजात शिशु होंगे उनको किस तरह से उनका देख रेख करना है, तो ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी आप पर है कि आप देश के भविष्य का, जो देश का आने वाला भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, उसको संवारने का काम, देश को आगे बढ़ाने का काम आप सबके हाथों है, आप सबकी जिम्मेवारी।